बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी सही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो उनको शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू, तो चलिए देखते हैं रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। सबसे पहले छोटे छोटे आलू जो होते हैं वो लेकर मैंने बॉईल करके रख लिए हैं सॉल्ट डालकर। टमाटर मेरे तकरीबन लिए होंगे 3 अदद, जिसको 1 कप हो जाता है, मतलब ये 2 या 3 जितने भी हों मगर 1 कप हों। हरी मिर्च, हरा धनिया मैंने ले लिया है गार्निश के लिए, और प्याज मैंने 3 अदद ले लिए थे, वो भी काट के रख लिए हैं। 1 कप दही ले लिया था, 1/2 कप क्रीम ले ली थी मैंने, दूध की बलाई जो होती है वो भी आप ले सकती हैं। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून ले लिया था मैंने, काजू 8-10 दाने हैं वो ले लिए थे मैंने, और इसके अलावा देगी मिर्च जो होती है वो मैंने ले ली तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और इसके अलावा पिसा धनिया है वो भी 1 टेबल स्पून है। हल्दी मैंने ले ली है 1/2 टीस्पून ले ली है, और गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक लेना है। चलिए अब पैन में ऑयल डाल के मैं आलू फ्राई कर लूँगी। देखना है आपने बिल्कुल एंड तक, पूरी रेसिपी देखनी है आपने कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये अभी मैं आलू पे मैंने कलर डाल दिया है, फूड कलर, थोड़ा सा ऑरेंज कलर जो होता है, क्योंकि बिल्कुल सादे से लग रहे थे, कलर में अच्छे नहीं लग रहे थे इस तरह से, तो फिर मैंने इसलिए हल्का सा कलर इन पे छिड़क दिया था। इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ इसको, मैं तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करूँगी कि इसमें थोड़ा सा कच्चापन जो इसका हो वो ख़त्म हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे मैं कर रही हूँ इसको फ्राई, आपने भी इसी तरह करना है, और रेसिपी बना के मुझे शेयर भी करना है। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसे बनी आपकी रेसिपी। और हाँ फ्रेंड्स, पूरा एंड तक देखा करें मेरी रेसिपी आप, इससे आपको सही तरह से समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से किया है। ये देखिए, मैंने एक सादे से पैन में प्याज डाल दिया सबसे पहले, फिर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने, ये मैंने काजू के दाने डाल दिए हैं, और अब हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे। इन सबको मैं ऐसे सौते करके बग़ैर ऑयल के सौते कर रही हूँ इनको, इसी तरह से बस हल्का सा रोस्ट हो जाएंगे, फिर मैं इनको मिक्सी के जार में डालकर चला लूँगी, पेस्ट बना लूँगी इनका अच्छा सा, तो जैसे सालन में अच्छी सी थिकनेस आएगी इस तरह से करने से, बहुत स्मूथ सी ग्रेवी बन जाती है। ये बहुत अच्छे से बनते हैं आलू, आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, इसको फ्राई तो नहीं कह सकते, इसको ऐसे ही रोस्ट करना है। ये मैंने डाल दिया है लेमन जूस के अंदर, लेमन जूस भी थोड़ा सा ले लिया था मैंने। तमाम मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, वही मिर्ची, नमक, हल्दी, गरम मसाला, पिसा धनिया, आम से ही मसाले हैं, सफ़ेद ज़ीरा भी है, और नमक तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है, हसबे ज़रूरत जैसा आपने डालना हो। कश्मीरी लाल मिर्च भी डालना है मैंने इसलिए कि उससे ज़रा अच्छा सा कलर आ जाता है सालन में। ये सब का पेस्ट बना लीजिए। लेमन जूस बस ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं। मैं सिंपल पानी के साथ भी बना लेती हूँ पेस्ट ही वाला, तो फिर भी हम डालकर ना सालन में इस तरह से पेस्ट बना के डालें तो मसाले जलते नहीं हैं, और अच्छे से खुशबू सी आ जाती है भूनने के बाद इनकी। वैसे मिर्ची वगैरह जलने शुरू हो जाती है ना फ़ौरन के फ़ौरन, तो अच्छी नहीं लगती है। इस तरह छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिससे बस लज्जत आ जाती है डिश के अंदर। ये देखिए, ये अब मैं इनका पेस्ट कर लूँगी। दही डाल के मैं पेस्ट करूँगी कि एकदम ड्राई होके भी नहीं सही बनता पेस्ट। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया हल्का सा। ये देखिए पेस्ट रेडी हो गया है।
अब मैंने ऑयल में सबसे पहले पेस्ट डाल दिया। बहुत आसान से हैं, बच्चे भी बना सकते हैं इनको, जैसे हम जिस तरह से बना रहे हैं, मतलब बहुत इजी और सिंपल है बिल्कुल। जब कुछ बनाने का मूड नहीं हो रहा हो तो बस सिर्फ यही बॉयल आलू करके आप रख लें और किसी भी टाइम निकाल के बना दें। और ये जो मसाला से मैंने ये बनाया है, पेस्ट जो रेडी किया है मैंने ये वाला, तो ये आप रख भी सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं इसको, जार में डाल के किसी चीज़ में डालकर, या फ्रिज में रख सकते हैं कि आप इसको दोबारा भी बनाना चाहें तो भी ये निकाल के आप आराम से बना सकते हैं। इसको अच्छे से भूनना है, बिल्कुल इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इतनी देर इसको पकाना है हमने कि ऑयल भी छूटने लगे। और भी तरह से बनते हैं लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स से शेयर ज़रूर करूँगी कि मेरी रेसिपी जो है। ये मैंने मसालों वाला पेस्ट डाल दिया है, इसको थोड़ा भून लेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए भुना जा रहा है अच्छी तरह से, इसका कच्चापन खत्म करने के लिए बिल्कुल। ऑयल आ गया है ऊपर, बस ये है कि रेसिपीज में कुछ ना कुछ चेंजिंग करके हम देखते रहते हैं कि इस तरह से करने से हमें क्या बन के मिल रहा है, किस तरह से रेडी हो रही है। इस तरह से मैं देखती रहती हूँ ज़रूर ये कर करके अलग अलग तरह की रेसिपीज में। क्योंकि सेम एक जैसी चीजें खा खा के बोर हो जाते हैं बिल्कुल। ये जो मैंने आलू करके रखे थे फ्राई, वो निकाल के वापस डाल रही हूँ में हम डाल के अब थोड़ी देर पकाएंगे इसको। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, इतने दिनों से मैं इसीलिए नहीं रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि मेरा गला ख़राब है। ये क्रीम सी मैंने ऊपर डाल दी है, ये चाट मसाला भी मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपने पसंद हो तो डाल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा दम पे रखेंगे इसको, 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है इसके साथ, बस अच्छे से रेडी हो जाएगी ये डिश। देखिए कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है, नान के साथ आप इसको सर्व कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। और मुझे बताना भी है आपने कि कैसी बनी आपकी रेसिपी, मुझे फॉलो करें इंस्टा पे और फेसबुक पे भी लाइक करें। ये देखिए नान से थिकनेस दिखाई जा रही है आपको ग्रेवी की कैसी है। Thanks for watching, friends.